नमस्ते दोस्तों, आज का टॉपिक है प्रेपोजिशन संबंध बोधक अव्यय। जान लेते हैं प्रेपोजिशन क्या होता है उसके बारे में। अ प्रेपोजिशन इज अ वर्ड यूज्ड विद ए नाउन और प्रोनाउन टू शो इट्स रिलेशन विद अदर वर्ड। प्रेपोजिशन एक ऐसा शब्द है जिसका प्रयोग नाउन और प्रोनाउन के साथ किसी दूसरे शब्द का संबंध दर्शाने के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर हमारे पास एक वाक्य है, राम सेट अंडर ए ट्री। यहाँ पर राम एक नाउन हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया, और ट्री हो गया एक कॉमन नाउन हो गया। तो इन दोनों के बीच में जो अंडर है ये प्रेपोजिशन है जो दोनों का संबंध बता रहा है कि राम पेड़ के नीचे बैठा हुआ है। तो अंडर का इस तरह से प्रीपोजिशन के रूप में प्रयोग किया गया है। अब पढ़ते हैं, सबसे पहले जो प्रीपोजिशन है वो है अबाउट। कहाँ कहाँ प्रयोग करेंगे अबाउट के, वो हमने यहाँ पे स्टडी किए हैं। पहला है चारों तरफ या सभी तरफ के अर्थ में, चारों तरफ या सभी तरफ के अर्थ में अबाउट का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए सेंटेंस है, दे आर बिल्डिंग ए वॉल अबाउट द फील्ड। दे यानी वे, आर यानी है, बिल्डिंग यानी बना रहे, ए वॉल यानी एक दीवार, अबाउट यानी चारों तरफ, द फील्ड खेत के। वे खेत के चारों तरफ एक दीवार बनवा रहे हैं या बना रहे हैं। इस तरह से चारों तरफ या सभी तरफ के लिए हम यूज करते हैं अबाउट का। अबाउट का दूसरा प्रयोग है लगभग या आसपास, लगभग या आसपास। देखिए, देर आर अबाउट 20 पैसेंजर्स इन द बस। देर आर 20 पैसेंजर्स इन द बस। बस में लगभग 20 यात्री हैं। उसके बाद में है के बारे में या के विषय में। के बारे में या के विषय के अर्थ में भी प्रयोग किया जाता है। देखिए, ये कहता है अ मदर ऑलवेज वरीज अबाउट हर चिल्ड्रन। एक माँ हमेशा अपने बच्चों के बारे में या अपने बच्चों के विषय में चिंता करती है। इस तरह से तो के बारे में या के विषय में हम यूज़ करते हैं। देखिए, अबाउट का एक और प्रयोग है जो अधिकतर हमें देखने को मिलता है, होने ही वाला है के अर्थ में। कैसे होने ही वाला है के अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है अबाउट का। देखिए, सेंटेंस है, द बस इज अबाउट टू कम। द बस इज अबाउट टू कम यानी बस आने ही वाली है। इस तरह से आने ही वाली है, तो होने ही वाला है, होने ही वाली है, आने ही वाला है, आने ही वाली है के अर्थ में हम अबाउट का यूज करते हैं। नेक्स्ट है वो है अबाउ। देखिए, अबाउट का जो पहला प्रयोग है वो है से ऊंचा या स्पर्श किया बिना ऊपर के अर्थ में। से ऊंचा या स्पर्श किए बिना ऊपर के अर्थ में। जैसे द पैरोट्स आर फ्लाइंग अबाउट द ट्रीज। द पैरोट्स आर फ्लाइंग अबाउट द ट्रीज। तोते पेड़ों से ऊंचे उड़ रहे हैं। कहने का मतलब पेड़ों को स्पर्श किए बिना ऊपर उड़ रहे हैं। दूसरा, इसका जो प्रयोग किया जाता है पद या दर्जे में। जैसे पद डेजिग्नेशन होता है, जो रुतबा होता है, जो बड़ा होता है, उसके अर्थ में अबाउट का यूज किया जाता है। जैसे द प्रिंसिपल इज अबाउट द टीचर इन द स्कूल। द प्रिंसिपल इज अबाउट द टीचर इन द स्कूल। प्रिंसिपल टीचर से स्कूल में पद में बड़ा होता है, तो अबाउट का इस तरह से हम यूज करते हैं। दूसरा इसका प्रयोग है वो है मूल्य, संख्या और वजन में ज़्यादा के अर्थ में। देखिए, जैसे इट वेज अबाउ 20 टन्स। इसका वजन 20 टन से ज़्यादा है, तो मूल्य, संख्या और वजन में ज़्यादा होने पर भी अबाउ का प्रयोग किया जाता है। और देखिए, एक और है पहले आना या पहले होना के अर्थ में। कैसे, देखिए, हर नेम वाज अबाउ माइन इन द फाइनल लिस्ट। उसका नाम अंतिम लिस्ट में मेरे नाम से पहले था। तो इस तरह से ये हो गया। नेक्स्ट देखिए, एक्रॉस, खुले स्थान पर
एक ओर से दूसरे ओर के अर्थ में एक्रॉस का प्रयोग किया जाता है, जैसे नवल वेंट एक्रॉस द स्ट्रीट, नवल गली के उस ओर गया, दूसरी तरफ गया। दूसरा उदाहरण देखिए, देयर इज ए ब्रिज एक्रॉस द रिवर चंबल, चंबल नदी के पार एक ब्रिज है, यानी नदी के एक किनारे से दूसरे किनारे तक हो गया। तो इस तरह से अब देखिए, दूसरी ओर या उस पार के अर्थ में हाउस ऑफ माई बिलव्ड इज एक्रॉस द वैली, मेरी प्रेमिका का घर घाटी के उस पार है या घाटी के दूसरी तरफ है। अब देखिए जो नेक्स्ट है वो है आफ्टर, बाद में या अगला के अर्थ में, बाद में या अगला के अर्थ में। देखिए, डोंट गो आउट आफ्टर डार्क, अंधेरा होने के बाद बाहर मत जाइए या बाहर मत जाओ, इस तरह से। द डॉग रैन आफ्टर द कैट, कुत्ता बिल्ली के बाद में दौड़ा, कहने का मतलब बिल्ली के पीछे पीछे दौड़ा। उसके बाद में है, वी वेंट टू जीन माता टेम्पल आफ्टर खाटू श्याम, वी वेंट टू जीन माता टेम्पल आफ्टर खाटू श्याम, हम खाटू श्याम के बाद जीन माता मंदिर गए। उसके बाद में है अलोंग, किनारे के सहारे सहारे या किनारे के साथ साथ के अर्थ में अलोंग का यूज किया जाता है, जैसे देयर आर ट्रीज अलोंग द कैनाल, नहर के सहारे सहारे पेड़ हैं। नेक्स्ट है अमोंग, बहुतों में से एक होना के अर्थ में अमोंग का प्रयोग किया जाता है, जैसे शी इज अमोंग द इंटेलिजेंट गर्ल्स ऑफ द स्कूल, शी इज अमोंग द इंटेलिजेंट गर्ल्स ऑफ द स्कूल, वह स्कूल की बुद्धिमान छात्राओं में से एक हैं, यानी बहुतों में से एक हैं। दूसरा है दो से अधिक, विशेष रूप से बंटवारे के लिए दो से अधिक व्यक्ति हो सकते हैं, दो से अधिक वस्तु होती हैं, तो बंटवारे के लिए हम यूज करते हैं, जैसे द स्वीट्स वर डिवाइडेड अमोंग द चिल्ड्रन, द स्वीट्स वर डिवाइडेड अमोंग द चिल्ड्रन, मिठाइयाँ बच्चों के मध्य वितरित कर दी गई थी, बांट दी गई थी, इस तरह से। दूसरा है दो से अधिक व्यक्तियों या स्थानों के बीच, कैसे, जैसे ए ग्रैंड मदर इज सिटिंग अमोंग हर ग्रेट ग्रैंडसन्स, एक दादी अपने पड़पोतरों के बीच बैठी हुई है। दूसरा है देयर इज अ विलेज अमोंग द हर्स हिल्स, हर्स की पहाड़ियों के मध्य एक गांव है, इस तरह से।